गई। चाइना हमारा दुश्मन है, फिर हिंदुस्तान की सरहद में चाइना का मंजा कैसे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान के नेताओं की मिली भगत से हिंदुस्तान की बॉर्डर पे चाइना का मंजा बड़ी मात्रा में आ रहा है? महोदय को चाहिए कि आज और अभी से तुरंत छापामारी शुरू करवाइए। और केजीएन इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, डालते एक नजर। और आए दिन बढ़ रही घटनाएं चाइनीज मांझे को लेकर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चाहे बेजुबान जानवर हो, चाहे इंसान, चाहे बच्चे हो या राहगीर, चाइनीज मांझे का दिन प्रतिदिन होड़ सी लगी हुई है। हालांकि आपको बता दें, सामाजिक संगठन जनता की आवाज के संजीव गुप्ता ने भरी है हुंकार चाइनीज मांझे को लेकर। हालांकि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ साथ शासन को भी आड़े हाथों लिया। उनका ये कहना था कि जब तक नेताओं की मिली भगत नहीं है तो चाइनीज मांझा कहां से आ रहा है, और चाइनीज मांझा जहां पर बन रहा है वहां पर क्यों नहीं शिकंजा टाइट करा जा रहा है, क्यों नहीं छापेमारी की जा रही है? जिन दुकानों पर चाइनीज मांझा बिक रहा है वहां पर क्यों नहीं छापेमारी की जा रही है, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? दिन प्रतिदिन घटनाएं होने से न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, और इसके साथ साथ न जाने कितने लोगों को अपने शरीर पर चाइनीज मांझे ने एक मार्का सी लगा दी है। चाइनीज मांझा सबसे पहले अटैक करता है गले के ऊपर, और जब गले के ऊपर अटैक करता है तो चाइनीज मांझा जब खींचा जाता है, जो पतंगबाज उसको खींचता है पतंग उड़ाने वाला, तो चाइनीज मांझा गले में फंस के, और मानो धारदार हथियार से कम नहीं है चाइनीज मांझा, लेकिन सालों से चंद दिनों में अभियान चलाया जाता है और उसके पास टाए टाए फिश हो जाता है। जिला प्रशासन को इस समय छुट्टी नहीं है गुंडे बनाने में, गुंडा एक्ट लगाने में, जिला बदर करने में। जिला प्रशासन को इस काम से छुट्टी नहीं है, तो फिर आगे क्या काम होगा, किस तरीके से घटनाएं रुकेंगी? हालांकि आपको बता दें, सामाजिक संगठन जनता की आवाज के संजीव गुप्ता ने जिस तरीके से हुंकार भरी है, उनका यह कहना था कि अगर चाइनीज मांझे को लेकर जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर इसके साथ साथ जबरदस्त तरीके से होगा विरोध। हालांकि आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे किस तरीके से सामाजिक संगठन जनता की आवाज के संजीव गुप्ता ने चाइनीज मांझे को लेकर भरी हुंकार क्या कुछ कहा, विस्तार से देखिए। चाइना हमारा दुश्मन है, फिर हिंदुस्तान की सरहद में चाइना का मंजा कैसे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान के नेताओं की मिली भगत से हिंदुस्तान की बॉर्डर पे चाइना का मंजा बड़ी मात्रा में आ रहा है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चाइना के मंजे से किस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों की गर्दनें कट रही हैं। इसमें हमारे शासन, हमारे प्रशासन के सभी बच्चे हैं, सभी लोग शामिल हैं। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में राम की लहर चल रही है, रामराज चल रहा है, फिर रामराज में ये चाइना का मंजा हिंदुस्तान की सरजमी पर कैसे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सांसद, विधायक,
मंत्री, ये जितने भी नेता हैं, इनकी मिलीभगत से हिंदुस्तान की सरहद पर ये चाइना का मंजा आ रहा है। मैं जिलाधिकारी महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर शाहजहांपुर की दुकानों पे बड़ी छापेमारी की जाए और चाइना का मंजा जब्त किया जाए, क्योंकि चाइना के मंजे से बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। हमारे लाखों पशु पंछी मौत के मुंह में समा रहे हैं। आखिर इस पर लगाम जो सामाजिक संगठन जनता की आवाज ने ज्ञापन दिया है, ये चाइनीज मंजे के खिलाफ दिया है। बड़े अफसोस की बात है कि ना जाने इस मंजे से कितने लोग मौत का शिकार हो गए। हमारे लाखों पशु पंछी मौत के मुंह में समा गए। शाहजहांपुर में तीन तीन मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर ये लोग इस पर अपनी जवान क्यों नहीं खोल रहे हैं। इन्हें 5 साल के बाद सिर्फ जनता वोट के लिए नजर आती है और ये जनता जो है ये चाइना के मंजे से मर रही है, इन्हें यह नजर नहीं आता है। इसलिए मैंने यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर शाहजहांपुर की तमाम दुकानों पर छापामारी की जाए और जमल और जो चाइना का मंजा है जब्त किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। और इसीलिए मैं आज कलेक्ट्रेट में आया हूं। अगर 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सामाजिक संगठन जनता की आवाज सड़कों पे उतर के उग्र आंदोलन करेगा। और मैं माननीय खन्ना जी से भी अनुरोध करता हूं, सुरेश कुमार खन्ना जी, जितेंद्र प्रसाद जी, जेपी राठौर जी, अरे आप लोग मंत्री हैं, मंत्री कम से कम मंत्री पद की गरिमा को समझें। अरुण सांसद जी, आप तो 5 साल से लापता हैं, आपका तो कोई पता ही नहीं है। कम से कम ये चाइना का मंजा तो बंद करवा दीजिए कि जो लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, तब वोट मांगिए, तब जनता का आप प्यार हासिल करेंगे। ऐसे जनता का वोट हासिल नहीं होगा कि आप लोग कोठियों में बैठ के राजनीति करते हैं। चाइना का मंजा अगर शाहजहांपुर में बंद नहीं हुआ तो ये आंदोलन सड़कों पे उतर के और उग्र होगा। ये शाहजहांपुर शहीदों की धरती है, ना झुका हूँ ना झुकी चौपाल पे और पुराने RTO ऑफिस की बगल में और मामूड़ियों में ये बड़ा कारोबार हो रहा है और मंडी में चित्र डाकिज के पास अंडा चौराहे में बिक रहा है, बहुत जगह बिक रहा है। मैंने उसमें जगह दी है, मैंने ज्ञापन में जिलाधिकारी महोदय को चाहिए कि आज और अभी से तुरंत छापामारी शुरू करवाइए। अगर छापामारी नहीं होगी तो संगठन कल से फिर सड़कों पर उतरेगा, फिर आंदोलन करेगा। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? भाई जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं और इसमें जितिन प्रसाद है मंत्री जी, सुरेश कुमार खन्ना है, राठौर JPS राठौर है, आखिर इन लोगों को भी अधिकारियों से कहना चाहिए कि छापामारी करवाइए या केवल ये लोग वोट मांगने के लिए है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। 2024 का चुनाव सर पे है, इस बार वो हवा नहीं है, इस बार हवा निकल If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.